की प्रॉब्लम थी। ओके बेटा, बेटा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सब बच्चों ने ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। और इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं ये भी आपने समझना। वेदर बहुत अच्छा है ना, बात देख रहे हो आप लोग? यस यस यस, बारिश हो रही है, अच्छा तूफान आ रहा है। यस सर, तूफान आ रहा है। स्काई का कलर बिल्कुल ग्रीन हुआ हुआ है, चेक करो आप। यस यस सर, आपको बताएंगे स्काई ब्लू कब होता है और ग्रीन कब होता है किसी दिन। तो अभी हम एक बार इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास कोई इम्पोर्टेंट पेपर है कोई, आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे। आपने क्या किया, उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसके क्या कर दिए, छोटे छोटे पीस, बिट्स ऑफ पेपर बना दिया। क्या बना दिया, बिट्स ऑफ पेपर। ऐसे सीजर लेके ना, कैंची लेके बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट दिया। जनरली कर देते ना वैसे कट। यस, लेकिन जैसे आपने इसके छोटे छोटे हिस्से किए तो आपको किसी ने बताया ये तो आपकी मार्कशीट थी। क्या थी ये, मार्कशीट जो आपने बिना देखे फाड़ दी, डस्टबिन में फेंक दी। यू पुट द शीट, पीसीज ऑफ द शीट इन डस्टबिन, और वो आपके पास एक ही कॉपी पड़ी हुई है, दूसरी आपको कहीं से मिलेगी नहीं। अब क्या करोगे आप सोचो, आप छोटे छोटे पीसीज को इकट्ठा करोगे और उनको क्या करोगे, फिर जोड़ना शुरू करोगे ना। यस सर, यस सर, डिफिकल्ट है वो। यस सर, डिफिकल्ट है ना, लेकिन मजबूरी है। डिफिकल्ट तो है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपलसरी है इसको जोड़ना। तो फिर चाहे आपको एक दिन लगे चाहे आपको 10 दिन लगे, आप छोटे छोटे हिस्से को क्या करोगे, जोड़ना शुरू करोगे, वो भी देख कर कौन सा हिस्सा कहाँ आएगा, है ना, ऐसे होगा ना। यस सर, इस छोटे छोटे हिस्से को जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर आपको कोई चीज बनानी है और आपके पास छोटे छोटे पीस पड़े हैं, अगर आप उनको जोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एड अप, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर। आराम से समझेंगे बेटा, मौसम भी अच्छा है और टॉपिक भी अच्छा है, इसलिए आराम से जल्दी से इस पे काम करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है ये, सिर्फ आपको टॉपिक 11th में ही नहीं 12th में भी काम देगा और कंपटीशन में भी काम है, इसलिए जहां डाउट होगा वहीं आपने पूछे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने, ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो। यस सर, यस सर, यस सर। क्या है डायग्राम में, एक कर्व बनी है, देयर इज ए कर्व। Yes. आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालोगे एरिया, अगर तो ये कर्व ऐसे होती, इस तरह की होती, फिर तो आपके पास फॉर्मूला है ना। यस सर, ट्रायंगल। फिर तो आप क्या करते हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट।
बहुत बहुत मौसम खराब है बताओ। यस सर। पानी आने शुरू बरसात का। सर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है आज। क्या कह रहे बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना अभी? नो सर, सही अभी तो नहीं आ रही। अगर आएगी तो रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि इसका एरिया तो आप निकाल लेते, लेकिन क्या इस कर्व का एरिया निकाल लोगे? नो सर। एक काम ये हो सकता है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि किसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे ऐसे छोटे छोटे से रिक्टेंगल बना के ना अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये पूरा आंसर सही नहीं आएगा इससे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचता जाएगा जो आप नहीं निकाल पा रहे। ऐसे ही है ना? यस 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 सर। इंटीग्रेशन आपको एक और हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन की खासियत बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने में हेल्प करेगा। एरिया लिखते जाओ, इंटीग्रेशन। डेफिनेशन बताऊंगा मैं। इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व चाहे कैसी भी हो, हर कर्व का एक फंक्शन होता है। ऐसे आपको दिया हुआ वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे मान लो आपको ये दे दें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या y इज इक्वल टू log x, इस तरह से sin x, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। मैथ्स में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन आपको क्या हेल्प करेगा, किसी भी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं ना ऐसे, ये सिंबल होगा इंटीग्रेशन करने का, ये सिंबल होगा। अगर मैं किसी का भी इंटीग्रेशन करूं, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किसी का भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा और उसकी कोई लिमिट भी होती है इंटीग्रेशन की, एक्स वन से लेके एक्स टू, वो इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया को। इसको रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए? अब सुनो ध्यान से, एक बार दोबारा से बता दो। मैं दोबारा बताता हूँ। एक तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है इस सिंबल के अंदर लिखना है। किसका करना है? वाई का। वाई को चाहे एफ एक्स लिख दो चाहे सिर्फ वाई लिख दो, इस तरफ आप एक्स एक्सिस ले लो और ये आप ले लो वाई एक्सिस। इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। देखो स्मॉल एलिमेंट का एरिया कैसे लेते हैं आप? ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने डी एक्स, डी का मतलब स्मॉल, और इस तरफ वाई है। अगर मैं वाई को डी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? ये वाला एरिया। बोलो। यस सर। Yes, अब इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ऐड अप करना। मैंने बताया ना इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना। अगर मैं y dx का इंटीग्रेशन कर दूं किस लिमिट से लेके, मान लो x1 से लेकर x2 के बीच में, यहां ले लो y एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इधर x1 से लेके x2 तक अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, यहां लिखता हूं, तो ऐसा करके मेरे को ये सारा एरिया मिल जाता है, सारा एरिया। ये खासियत है इंटीग्रेशन की कि वो ऐसी कर्व के नीचे का एरिया भी बता देगा पूरा का पूरा, जिसके लिए आपके पास कोई भी फॉर्मूले नहीं है। आपके पास बड़े लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, नाइन टेंथ में पढ़े हुए हैं। आप ट्रायंगल का बता दोगे, रेक्टेंगल का बता दोगे, रोम्बस का बता दोगे, आप ट्रेपेजियम का बता दोगे, लेकिन आप किसी भी शेप का नहीं बता सकते हो। उसको बताने के लिए फिर मैथमेटिशियन ने क्या बनाया? इंटीग्रेशन। उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेशन करके
आप ये सारा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक की डिस्कशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आएगी बात, सुनते जाओ। जब मैं पूछूंगा समझ आया तब मुझे बताना कि आया या नहीं। पहला पॉइंट तो ये, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होगा। इंटीग्रेशन किसी वाई का करेंगे और साथ में क्या लेंगे, डीएक्स। ऐसा करके हमने क्या किया, कोई स्मॉल एरिया ले लिया, जैसे मैंने पहले बताया इधर वाला dx हो गया और इधर y हो गया, तो ये मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है सर? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर। क्लियर आ रही है सर? क्लियर आ रही है। आपका नेट भी खराब हो सकता है उधर से, अगर कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है कुछ को नहीं आ रही ना, फिर आपका नेट खराब हो सकता है। किसी को क्लियर आ रही है क्या आवाज? क्लियर है सर, आ रही है। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एक लिमिट मिलती है एक्स वन टू एक्स टू। जैसे मान लो मैं अब यहां से यहां तक का करता हूँ इंटीग्रेशन, इसको मैं एक्स वन ले लेता हूँ और इसको एक्स टू ले लेता हूँ, तो फिर मुझे एरिया सारा नहीं मिलेगा, फिर मुझे एरिया वही मिलेगा जो मेरी लिमिट है, जिसको मैं अभी अंडर ना अभी डार्क कर रहा हूँ ना, फिर मेरे को एक्स वन और एक्स टू के बीच में x1 और x2 के बीच में मिलेगा। बिल्कुल सही है, उससे पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करते हैं। क्या आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया इंटीग्रेशन का? यस सर। यस सर। यस निकालने और छोटी छोटी वैल्यू को एड करके एरिया निकालने में हेल्प करता है इंटीग्रेशन। अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे, हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बताइए। आवाज़ें बंद करो। इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, अगर आपको x की किसी पावर का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपको दी होगी, कोई भी लिमिट ले ली मैंने, इंटीग्रेशन के लिए आप आई लिख दो, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। फॉर्मूला ये कहता है एक्स की कोई भी पावर हो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसके अंदर आप वन ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। सर ये लिमिट बता दो एक बार। लिमिट तो दी होगी बेटा, कोई भी लिमिट दी होगी, एक्स की वैल्यू दी होगी, एक्स की वन से लेके एक्स की टू लिया मैंने अभी जो बता रहा हूं वो समझो। एक्स की किसी भी पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की सिक्स का क्या होगा, एक्स की सेवन बाय में सेवन, एक्स की सेवन बाय में सेवन, और जो लिमिट होगी फिर आप यहां लिखोगे, करने के बाद यहां लिखोगे, ये डी एक्स भी खत्म हो जाएगा, ये सिंबल भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये लिमिट लिमिट रह गई। अब लिमिट को कैसे पुट करना है, पहले आप x की जगह पे 2 पुट कर दो, माइनस में फिर x की जगह पे लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट बेटा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सर आपकी आवाज को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बेटा आपने। बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, मैं फिर लेक्चर रोक दूंगा बीच में। सर यहाँ पे n क्या लिए फॉर्मूला में? कोई भी पावर हो सकती है, जैसे x की 6 है ना, n कोई नंबर होगा, n कोई नंबर होगा, उस नंबर में 1 ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड करना है। जैसे x की 6 था ना, एक्स की सेवन बाय सेवन, फिर ये लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट, तो आपका आंसर बनेगा 1/7, बाहर निकालो 2/7 - 1, 2/7 - 1। बेटा मैं रिपीट करता हूं, देखो आप 5-6 क्वेश्चन करूंगा ना, फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा।
जैसे मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो x की 2 का और लिमिट हो 0 से 1, लिमिट कुछ भी होगी, तो पहले आप बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x by 2. नहीं बेटा, x की 3/3. सर जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है आपने, x की 2 था ना उसमें 1 ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड करना है. ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर. अब आपके पास लिमिट है 0 से 1, इस x की जगह पे 1 पुट कर दो, फिर माइनस में जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे 0 पुट कर दो. 0 बाय 0 0 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया? 1/3, क्योंकि ये किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो स्क्वायर यूनिट 1/3 स्क्वायर यूनिट. चलो इसका बताओ एक बार, आप इंटीग्रेशन बताओ x की 9 का क्या हो? सर x की पावर 10 बाय 10, x की पावर 10 बाय 10, n बाय 10, इसकी पावर बोलो 10. चलो इसका बताओ, पहले इंटीग्रेशन लिमिट बाद में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन बताओ x की माइनस 4 का क्या होगा? सर x की पावर माइनस 5 बाय माइनस 3 बाय माइनस 3 की माइनस 3 x की माइनस 3 बाय माइनस 3 x की पावर 1/2 का क्या होगा? x की पावर माइनस 1/2, x की पावर 3/2. यस सर, चेक करो जो मैंने किया वही आप सोच रहे हो क्या? यस यस सर. 2/3. अब देखते हैं सबसे पहले कौन बोलेगा. सर अपना नाम साथ में बोलना है. बड़ा बड़ा आंसर बोलो. सर पहले मैं सर x की पावर 8 बाय 8 सर x की पावर x की पावर प्लस में सर प्लस में x की पावर माइनस 3 बाय माइनस 3 बाय माइनस 3 प्लस में x की पावर 5/2 प्लस 5/2 किसका ठीक है? नाम बोलो. ओके चलो, जिसका नाम लूंगा ना वो आंसर करेगा. दिया मित्तल यस बोलो पहले. यस सर. आपसे क्वेश्चन है बेटा, दिया मित्तल से क्वेश्चन है. अगर दिया को नहीं आएगा फिर आप लोग कोई भी आंसर कर लो. और दिया मित्तल ध्यान से बेटा आंसर बोलना है. इंटीग्रेशन हो x की पावर x का रूट. दिया मित्तल x की पावर 1/2 + 1. यस x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1. क्या इसने सही बताया बेटा? यस सर, सही बताया सर. यस सर. यस सर. सही है, शाबाश. अब आप में से डोनल यस करो. यस सर. डोनल आपसे आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन है. डोनल आंसर 7/x^7. 7/x^7. सभी बच्चे देखो सर आंसर ये आएगा x की पावर माइनस 5 बाय में माइनस 5. पहले तो x की 6 को ना ऊपर ले जाओ सर, x की माइनस 6 बना लो. अब आप इंटीग्रेशन का रूल लगाओ, x की -6 + 1 -6 + 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? x की -5 / -5.
by minus 5. Donald, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Very good. अब next जिसका भी नाम आएगा ना वो yes बोलना पहले. कनिका फटेला, yes बोलो. कनिका. Sir. Okay. कनिका आपके लिए क्वेश्चन है बेटा. कनिका आप ये बताओ, 3x की 7 का इंटीग्रेशन क्या हो? थ्री एक्स एट बाय एट. वेरी गुड. अगर कोई कांस्टेंट साथ में है ना वो वैसे ही साथ में रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/8 x^8. समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. मित्तल यस करो. यस यस. आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, 1/3 x^9, इसका इंटीग्रेशन बताओ. सर 3x^-8 और डिवाइड में -8. यस सर सही है. थ्री ऊपर थोड़ी जाएगा, थ्री तो साथ ही रहेगा. 1/3 x^-8 / -9 + 1 - 9 + 1 - 8 आप इसको बाद में ये भी लिख सकते हो -24, फिर x को बेशक नीचे भी ला सकते हो x^8 तक. क्या समझ में आ गया बेटा? यस सर. यस. एक बार दोबारा बताना, नेटवर्क इशू. मैंने ये बताया कि 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो साथ ही रहेगा. x^9 को आप लिख लो -9, उसमें 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो. ओके सर, आपका आंसर आ जाएगा. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ कुशल. कुशल यस करो. कुशल कुशल नहीं है. आशी आप यस करो. यस सर. आशी आपके लिए क्वेश्चन ये, जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या तो वो कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ, या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे. और आशी, आशी इसका इंटीग्रेशन बता दो. थ्री एक्स की पावर 3 + x^2. बेटा बाय 3 भी तो आएगा सर, वो इकट्ठे डालना है ना प्लस करके नीचे. नहीं नहीं नहीं, एक एक का करो ना आप. सर इसका करोगे तो आएगा 3x³/3. आगे बताओ. x² / x² / 2 और इसका +5. नहीं, अगर सिर्फ कांस्टेंट +0 सिर्फ कांस्टेंट पढ़ाओ तो उसके साथ x +5x. अगर सिर्फ कांस्टेंट पढ़ाओ उसका मतलब होता है साथ में x की 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सिर्फ कांस्टेंट पढ़ा होगा तो उसके साथ x लग जाएगा, याद रखना है आपको. अगर आपके पास 6 का करना होगा तो आप लिखेंगे 6x. अगर आपको 7 का करना होगा तो आप लिखेंगे 7x. कोई भी कांस्टेंट हो, 100 है तो आप क्या लिखेंगे? 100x. लेकिन अगर कांस्टेंट x के साथ है फिर वैसे ही रहेगा. अगर कांस्टेंट अकेला पड़े तो उसके साथ क्या लग जाएगा? x. आशीष समझ में आ गया ये? यस सर. एक और बताओ आशी, एक और बताओ. इसका बताओ बेटा, 7 + 3x का क्या होगा? तो 7x + 3x² / 2. शाबाश. सॉरी, इसके नीचे 2 आएगा सर, सबके नीचे नहीं आएगा. इसका आंसर आपने सही बताया, 7x
थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। एक दो बच्चों से और पूछते हैं। आदित्य यादव। यस सर। आदित्य अगर ये क्वेश्चन हो सब बच्चे सॉल्व करना, आंसर पहले आदित्य देगा, लिमिट भी दे रहा हूं आदित्य। जीरो से वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आदित्य इसका आंसर निकाल लो पहले कॉपी पे, कॉपी पे निकाल लो। आदित्य डन सर, थोड़ा सा रह गए। करो करो करो, किसी और बच्चे का आंसर आया तो बोल सकते हैं आप। चैट पे लिख दो बेटा, आवाज कट के आ रही है, चैट पे लिख दो। तो वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय सर, वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री। ओके ओके सर, वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री कर रहा हूँ आदित्य, मैच कर लो बेटा। सर फाइव बाय थ्री टोटल आ जाएगा, पहले वन का आएगा एक्स, ये सही है आदित्य? यस सर। एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय टू, स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब बाय थ्री, क्यूब बाय क्यूब। लिमिट सीख लो कैसे पुट करनी है, पहले जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है। सर वन प्लस वन बाय टू, वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री माइनस के लोअर लिमिट जीरो बाय टू, हाँ जीरो ही आएगी, जीरो बाय समथिंग जीरो होता है। एलसीएम ले लो, फाइव बाय ये बनेगा आ जाएगा, ये बनेगा थ्री, ये बनेगा टू, इलेवन बाय सिक्स आना चाहिए। कितने बच्चे यही है सर? मेरा भी याद है। एक मिस्टेक की है मैंने, बताओ क्या? स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा और ये लिखना जरूरी है। अब कोई भी आंसर जब आप निकालोगे उसके बाद स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। लिमिट पुट कर लोगे? कर लोगे लिमिट पुट? यस सर। अभी राज यस करो। यस सर। क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन 3 to 4 वन बाय एक्स की पावर 3 डी एक्स करो। सभी बच्चे करो अपना आंसर निकालो। सर अपर लिमिट की आ गई मेरी। सर डन डन सर डन सर, 4 की पावर -2/-2। यस सर, माइनस यही आया सर, माइनस टू बाय माइनस टू। तो आप लोग मैच कर लेंगे क्या, फिर बताना किसका करेक्ट है। ओके अभी राज आपने कर लिया? यस सर। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले पावर को ऊपर लेके आओ,
अपने स्टेप्स भी चेक करते जाना। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा माइनस टू बाय माइनस टू लिमिट थ्री टू फोर। आप चाहो तो x की पावर को अब नीचे ले आओ ताकि आपको वैल्यू पुट करनी आसान हो जाए, और कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाल दिया। अब 4 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 बाय 16, 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 बाय 9, यही बनेगा ना? यस सर। अब इसके अंदर से कुछ कुछ कॉमन ले लो। सर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया उसके अंदर पुट। फिर भी आंसर मैच करो, आंसर मैच होना जरूरी है। 16 इंटू 9 ही मैंने ले लिया एलसीएम, 9 यहाँ आ गया 16 यहाँ आ गया, तो एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए 14 माइनस 1 बाय 2 बाय माइनस 7 बाय। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब मल्टीप्लाई करके आप खुद देख लेना नीचे क्या बनता है। 288। बहुत सारे बच्चों का वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन है सबके लिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी टी, जहां एक्स था ना उसकी जगह टी ले गया, वो यहां डी टी होगा। तो ए प्लस बी टी और इसकी लिमिट ले लो आप कुछ भी, टी की लिमिट ले लो 2, 2, 3। A and B are constant. A and B are constant. So, जहां पे x आता था वहां t आ गया। सर a plus 5b upon 2. A plus 5b upon 2. ये दो बच्चों का आंसर है, आपका नाम बताओ। 5B के नीचे नहीं आएगा, 5B के नीचे आएगा केला। किसका आंसर है बेटा ये? सर नव्या। नव्या और जैस्मिन का आंसर है A plus 5B upon 2, अभिराज। अभिराज बोलते जाओ अपने अपने आंसर। सर A plus 5B upon 2, यशिका। यशिका सर A plus 5B upon 2, कुहु। डोनर क्या? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, देखो सब लोग। ए कांस्टेंट है तो उसका एक्स नहीं हो जाएगा जैसे 3 एक्स। अब एक्स नहीं है वेरिएबल, हर बार वेरिएबल एक्स नहीं होगा, टी होगा। यहाँ से पता चलेगा, अगर तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर मैं डी एक्स लेता हूँ तो एक्स वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा। सर यहाँ पे टी आ जाएगा इसका मतलब। अगर मैं यहाँ डी वाई लेता हूँ तो वाई वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा, अगर मैं डी टी लेता हूं तो टी वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब ये कांस्टेंट मेरा भी यही आंसर आ। हाँ ठीक है बेटा, नाम बोल दो। सर विनीत का आ रही है आंसर। सर हर्षिता। सर वंशिका। ठीक है बेटा, कांस्टेंट सर डोनल। डोनल लिख दिया बेटा मैंने, कांस्टेंट के साथ टी लगेगा और टी की 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी स्क्वायर बाय 2। यस सर। और लिमिट क्या, 2, 2, 3। पहले 3 लिमिट पुट करो, 3a, यहाँ 3 पुट करोगे तो 9 बाय 2b। और लिमिट पुट करो 2, t की जगह पे पुट करना है 2a, फिर माइनस में b बाय 2 इंटू 4। इसको सॉल्व किया, 3a और 2a मिलके क्या रहेंगे, a। ये 9 बाय 2b और वो कितना था, माइनस का 2b, इसमें से 2 आपने एलसीएम लिया होगा तो यही आंसर बन रहा है। बिल्कुल सही, जैसे कोई नंबर होता है ना वैसे a है। अगर मैं कहता 4 प्लस 3t का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या लिखते, 4 के साथ 4t
और t के साथ क्या लिखते, यही 4 की जगह a आ गया और 3 की जगह पे b आ गया, बस और कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये वाला समझ में आ गया सबको? यस यस करोगे एग्जाम और? यस सर। जितनी प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन उतना आएगा। करो सब लोग करो, सबसे पहले कौन करता देखते हैं। सर a प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन थ्री। यस सर। सर नव्या। यस सर। अर्चिता का भी यही है। सर पिंकी का भी यही है। मेन पिंकी यशिका। सर सर डोनल। डोनल सर अभिराज। सर विकास। सर विकास। सर आर्यन। सर विकास। सर विकास। सर महक। पारस। सर विनीत। और कोई? सर पूरी क्लास का यही आंसर। फिर भी मैच करो जिसको डाउट है। ए के साथ क्या आएगा? ए टी। टी के साथ क्या आएगा? बी टी स्क्वायर बाय टू। और सी टी स्क्वायर के पास क्या आएगा? सी टी क्यूब बाय थ्री। लिमिट जीरो से वन। पहले वन पुट किया होगा आपने, ए बी बाय टू सी बाय थ्री और बाकी तो जीरो ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का पहला मेथड? यस सर। यस सर। चलो फिर इसका बताओ छोटा सा। ये देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ dx, सिर्फ dx, कुछ भी नहीं होता तो वन तो होता ही है, फिर आंसर क्या आएगा? x। x। अगर मैं लिखता हूं dt, आंसर क्या आएगा? t। t। अगर मैं लिखता हूं dy, आंसर y। मैं लिखता हूं dv, v। 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 मैं लिखता हूं df, f। f। हर वेरिएबल से पता चलेगा कि हर वेरिएबल डिसाइड करेगा क्या आंसर आने वाला है। ओके एक चीज बताओ मुझे सब बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का पूरा डेफिनेशन क्या? मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का चेंज इज इक्वल टू वी डी टी। लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, किसी चीज के दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल कौन है? टी। जीरो से टी। और यहाँ कौन है? डिस्प्लेसमेंट एस। जीरो से एस। ये मैंने लिमिट दे दी आपको। अब आप बताओ डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस। 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 लिमिट जीरो से इसका क्या होगा? अब वी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? टी। इसका क्या होगा? जीरो से टी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो एस की जगह एस माइनस जीरो, टी की जगह टी माइनस जीरो। तो ये आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया बाय इंटीग्रेशन, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू। तो इंटीग्रेशन का रोल आपको कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने में भी आएगा, वो हम करेंगे आगे कल के लेक्चर में। अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इंटीग्रेशन पे ही रहता हूं। डी प्लस
फोर टी प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी क्यू प्लस सेवन टी की फोर। फटाफट कौन करता है लिमिट जीरो से वन? सर डन। आंसर बोलो सर। थ्री टी। आंसर लिमिट के साथ बोलो। पूरा आंसर जल्दी जल्दी में हाफ मत छोड़ो, कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट करो। सर थ्री अपॉन वन प्लस सर थ्री प्लस फोर प्लस फोर बाय टू प्लस फाइव बाय थ्री प्लस सिक्स बाय फोर प्लस सेवन बाय फाइव थ्री टी। सही है ये? यस सर। यस सर। स्क्वायर बाय में टू बाय टू। सही है? यस सर। यस सर। फाइव टी क्यू बाय फाइव टी क्यू। यस यस सर। यस सर। सिक्स टी की फोर बाय फोर भी सही होगा। यस सर। ठीक है। सेवन टी की फाइव बाय फाइव भी सही होगा। यस सर। लिमिट जब पुट करेंगे तो टी की जगह पे वन थ्री, इसको जो कटता है काटते जाओ। सिक्स बाय फोर को मैं थ्री बाय टू लिख लूंगा, सेवन बाय फाइव। यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आ रहा है आप चाहे तो थर्टी ले लें, ये नाइनटी। सर फोर नहीं आएगा टू का स्क्वायर? क्या बेटा? सर टू कहाँ पुट किया मैंने? वन पुट किया। फोर कहाँ आएगा बोलो? अब थर्टी एलसीएम ले लो। So 287 upon 30. ये कितना बन रहा है? 45. कितना आ रहा है नव्या? 287 upon 30. कुछ और भी लिखना है क्या इसके साथ? Square unit. Square unit. This is the correct answer. तो सब बच्चों को first formula clear हो गया। आज हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले को ही पकड़ के कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन एक फॉर्मूला आज और कर लो, सेकंड फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन में लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर वन होती है, उसकी भी सारे की कोई पावर आ जाए ऐसे वन, सारे की पावर, तो इसको करने का तरीका ये होगा, ध्यान से समझना। पहले तो आप इस ब्रैकेट की पावर को एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो। नीचे जो भी एक्स के साथ होगा ना वो और आ जाएगा नीचे, ये ध्यान रखना। ये अंदर लीनियर होना चाहिए, अंदर अगर क्वाड्रेटिक होगी तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो इस मेथड से। आप इसको नहीं लिख सकते हो ऐसे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन होनी जरूरी है। एक बार फिर समझो लीनियर इक्वेशन का एक सम और लेता हूं, मतलब ऐसा सम, वन प्लस सिक्स एक्स की पावर माइनस थ्री। मैं इसको लिखूंगा वन प्लस सिक्स एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू। साथ में जो भी एक्स के साथ होगा ना, जो भी, वो नीचे आएगा। एक्चुअली नीचे डिफरेंशिएशन आता होता है इसका, अब कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ तो वो इतना ध्यान रखो कि एक्स के साथ जो भी होगा वो नीचे आएगा। तो आंसर क्या हो गया? एक मिनट बेटा, टू वेरिएबल्स में हुई फिर कैसे आएगा? क्या कह रहे हो? अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हुई फिर कैसे आएगा? टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बेटा, लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की होनी जरूरी है, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो लेफ्ट साइड में ही होता ही। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है,
तो इंटीग्रेशन तो आप y का ही करते हो ना एक्चुअली, जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो वो a की वेरिएबल में आएगी, समझ में आ गया ये? Yes. तो इसके अंदर दो वेरिएबल नहीं होंगे, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा। हाँ उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मान लो ये 9 हो तो आंसर क्या होगा? एक चीज और नीचे आएगी, बताओ क्या? कॉन्स्टेंट 3 जो x के साथ है वो वाला कॉन्स्टेंट आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखो ये नहीं आएगा, जो x के साथ है वो वाला आएगा, क्योंकि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन पता है उनको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3। बाकी बच्चे इतना ध्यान रखें कि x के साथ वाला आएगा। तो सेकंड का जनरल फॉर्मूला क्या बना, अगर इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स की पावर n हो, आप लोग बोलो मैं क्या लिखूंगा? n a प्लस बी एक्स n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 पावर n प्लस 1 इनटू b अपॉन b, दिस इज माय आंसर। कर लोगे सब लोग ये? यस सर, यस सर। बेटा इस तरह के ना कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा मैं ग्रुप में, इसको प्रैक्टिस करना है और कल हम इसके डाउट्स करेंगे। ओके सर, होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं है तो मैं ये वीडियो भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक्स फॉर द डे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।